रसूल नेग्रो, हर खरीदारी पर पाए निश्चित उपहार। मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अक्सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे जो वीडियोस आप प्रसारित करते हैं उनको फॉलो भी करते हैं। और उसी के मद्देनज़र मैं पहले सीड पे आता हूँ, गार्लिक सीड, क्योंकि अभी गार्लिक सीड का सीज़न चल रहा है। तो गार्लिक सीड का जब हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको ध्यान होगा पहला इंटरव्यू दिया था, तो मैंने 63 रुपये से लेके 75 रुपये के बीच के रेट का बताया था फार्मर्स को कि भाई ये इन भावों पर आप बीज खरीदिए, क्योंकि नहीं तो ये रेट आपका 150 रुपये को टच करेगा। तो आज 25 सितंबर है अजय जी, और आज जो भाव है बीज का वो 135 से 140 को टच कर चुका है और लगभग 130 और 40 के बीच में चल रहा है, और अगले 10 दिनों में 150 को टच करेगा, जो कि मेरा एक फोरकास्ट था फार्मर्स के लिए कि आप अर्ली खरीदें, क्योंकि आप जब बीज के लिए किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो आपको उसके वजन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब बीज लगता है वो बीज फली के हिसाब से लगता है, उसके क्लोव यानी कि दाने को आप निकाल के लगाओगे तो नंबर ऑफ काउंट्स अगर आप एक महीना पहले लेते तब भी उतने ही थे उस बल्ब के, और आज भी उतने ही होने थे। तो परंतु आज ये जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, डेफिनेटली किसान के लिए ज़्यादा है, हमें भी लग रहा है कि प्राइस ज़्यादा है, पर इस समय क्योंकि ये प्राइस बढ़ना ही था तो इसलिए हमने पहले ही फार्मर को एक टिप दी थी कि आप बेस्ट प्राइस पे इसको बीज को ले लें। तो जिन लोगों ने लिया आज वो लोग बहुत खुश भी हैं और धन्यवाद भी कर रहे हैं, और आपके चैनल का भी धन्यवाद है कि उन्होंने ये चीज़ प्रसारित की, आगे फार्मर तक पहुंचाया, इसको मतलब एक अपडेट किया फार्मर को। और दूसरी बात रही कि सीड के लिए कहाँ कहाँ लग रहा है, कुल्लू में मैं आपको बता दूँ, कुल्लू की सराउंडिंग में तो लग ही रहा है, और बीज जो है आपका आनी, गाढ़ा गुशैनी, आपका करसोग, इस एरिया में भी काफ़ी बीज गया है, और साथ ही आपका सिरमौर का एरिया, टिम्बी, ददाहू, ये एरिया में काफ़ी बीज गया है, और राजगढ़, ये एरिया में भी काफ़ी सीड लगा है इस बार, और उम्मीद है कि अगले साल भी प्राइस अच्छे रहेंगे। इस साल अभी जब लास्ट में फार्मर बेच रहा था तो थोड़ा सा प्राइस जो है मतलब आप एक बोलेंगे कि प्राइस बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, वो ड्यू टू ईरान का लहसुन था जो कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में आ रहा था, और अफगानिस्तान के साथ जहाँ तक मुझे पता चला है कि एक ट्रीटी है कि उसमें जीरो ट्रेड, जीरो परसेंटेज पे मतलब विदाउट एनी टैक्सेशन जो है वो कस्टम से क्लियर हो रहा था। तो इस वजह से हमारे लहसुन को जो कि फार्मर्स को थोड़े और ज़्यादा दाम मिलने थे वो दाम नहीं मिल पाए, और परंतु फिर भी बड़े अच्छे दाम मिले हैं, 80, 100, 120 तक प्राइस रहा है, फार्मर को इतना प्राइस मिला है लास्ट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल भी प्राइस बड़ा अच्छा रहेगा गार्लिक का, और रहना भी चाहिए। और मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में ज़रूर इंश्योर हो जाए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तो प्राइस अगर कम भी रहेगा तो पर प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपकी उस चीज़ को, प्रोडक्शन और क्वालिटी उस चीज़ को कंपनसेट कर देती है। तो प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा गोबर हो गया, आपके FIM और आपके वर्मी हो गई और अन्य खादें हैं, ठीक है, और सल्फर और इसका मिक्सचर है। तो इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक स्प्रे शेड्यूल भी बना के एक फार्मर को दें कि ये इन इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, जब जब ज़रूरत हो, जब जब उन्हें ज़रूरत महसूस होगी तो वो करें, जिससे कि उनकी एक अच्छा उत्पादन ले सके फार्मर अपने फील्ड से। तो ये हमारा इस बार का मोटिव रहेगा।